रामनवमी गढ़वा रामनवमी। एक वक्त था जब यहाँ के लोगों को एक कसक होती थी कि जब रामनवमी का वक्त आता था तो लोगों को रामनवमी देखने के लिए अपने राज्य के रांची और हजारीबाग जाना पड़ता था। बात कालांतर की हो गई, वक्त गुजरा, गढ़वा में भी रामनवमी की शुरुआत हुई। वक्त गुजरता गया, भव्यता आती गई। आज स्थिति यह है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि रांची और हजारीबाग से भी कमतर नहीं है गढ़वा की रामनवमी। हम यहाँ पर एक कमेटी के लोगों से बात करेंगे जिनके द्वारा कुछ ही सालों में रामनवमी को इतनी भव्यता दे दी गई है कि हजारीबाग और रांची के रामनवमी से तुलना होना लाजमी हो गया है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम मझियाम मोड़ पर हैं। अब आप पताका यहाँ पर देख रहे होंगे, मझियाम मोड़ जोड़ा पुल है, जोड़ा पुल के सामने आप पताका देख रहे होंगे, यहाँ पताका लगा हुआ है और झंडा चौक है, झंडा चौक भी पताका देख रहे होंगे आप। इस पताका में लिखा हुआ है श्री राम श्री महावीर मंडल। इसी महावीर मंडल की हम चर्चा आज कर रहे हैं जिसके द्वारा रामनवमी की शुरुआत 2018 में की गई थी। 18 से 24 आया, कोरोना का काल भी आया, इस गुजरे वक्त में आया जब हम आपको व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं था, लेकिन उसके बाद लगातार आयोजन होते रहा और आयोजन में भव्यता आती गई। सबसे बड़ी बात, जब महावीर मंडल की चर्चा होती है तो एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि महावीर मंडल में जितने सदस्य हैं उससे कहीं ज़्यादा संरक्षक हैं, एक बड़ी संरक्षक मंडली है। अमूमन हमारे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, घरेलू जीवन हो, जिस तरह हमारे आपके घर में गार्जियन जब मौजूद रहते हैं तो हमारे घर के सारे कामकाज सारा व्यवस्था सुदृढ़ होता है, ठीक उसी तरह महावीर मंडल की जो संरक्षक मंडली है, संरक्षक मंडली द्वारा कार्यक्रम को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि आज महावीर मंडल की चर्चा चहुं ओर हो रही है। हमारे साथ सभी सदस्य यहाँ पर अधिकारी मौजूद है जिन्हें आप बेहतर रूप से देखिए। इन्हीं के बदौलत दिन रात अथक मेहनत करके इनके द्वारा रामनवमी के आयोजन को आगाज से अंजाम तक पहुँचाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर पंचम भाई हैं, आशीष भाई हैं, हम लोगों से हम बात करेंगे। पंचम भाई, हम कर रहे थे महावीर मंडल की चर्चा कर रहे थे, तो महावीर मंडल की खासियत सबसे बड़ी यही है कि सदस्य पदाधिकारी से ज़्यादा कहीं संरक्षक मंडली है। जब गार्जियन तटस्थ होता है निश्चित रूप से कोई भी काम आगाज से अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। जी हाँ, आपने जो बोला वो बहुत ही सही बात बोला है। जब गार्जियन के मद्देनज़र अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं उसके बारे में वो देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको आपके मंच के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आज से कई वर्षों पहले तक घर की लेडीज रामनवमी को जानती थी, बस पूजा पाठ में ही रहती थी, लेकिन आज महावीर मंडल के बैनर तले हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष और सभी संरक्षकों के साथ वो लोग भी बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं और बहुत ही अच्छा करते हुए रोड पर आना और अपने को बढ़िया दिखाना, रामनवमी को कैसे मनाया जाता है उसकी भव्यता को बढ़ाना, ये कल आप देखेंगे। और हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम हम लोग अच्छे से अच्छा करते जा रहे हैं और इसको करने का प्रयास भी कर रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हो। इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बाहर से कई कलाकारों को बुलाया है जो रामनवमी को गढ़वा के लिए एक इतिहास बना के रखेंगे, और साथ में अब हम सारे सदस्यों और सारे संरक्षकों का सहयोग रहता है, उसके चलते घर की लेडी चाहे जो भी बच्चियाँ हैं वो सारे अपने आप को महफूज और अच्छा महसूस करते हुए पूरे अस्त्र शस्त्र और बढ़िया वेशभूषा के साथ ये रोड पर आती हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि इस चीज़ को भव्यता और बढ़ाते रहे हैं और आप लोग का सहयोग इस तरह से हम लोग को मिलता रहे, इसलिए मैं अपने द्वारा रवि आनंद अपने द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे गढ़वावासी हमारे इस कार्यक्रम को और सफल बनाएं और बहुत ही अच्छा इसको करें कि ताकि हम लोग राम जी को
बारे में जो भी जाने हैं, जो भी पढ़े हैं, इस चीज़ को अपने आने वाले पीढ़ी को भी दें हम लोग, ताकि वो लोग भी सीख सके कि भाई गढ़वा की रामनवमी जो हो रही है ये और अच्छा हम लोग कर सके। धन्यवाद। गढ़वा की रामनवमी को अगर भव्यता देने की बात आती है और ज़्यादा विस्तार देने की बात जब आती है तो महावीर मंडल की चर्चा होती है। जी हाँ, जब चर्चा की बात हो तो महावीर मंडल सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती है। यहाँ के जो संरक्षक है, सदस्य है, जो भी है, यहाँ जितने भी कोई है, सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। उसके कारण हमारा जो सदस्य जो भी कार्य कर रहता है वो हम लोग का सफल हो पाता है। महावीर मंडल की चर्चा हो रही है लगातार कि कार्यक्रम रामनवमी का जो होता है आयोजन आगाज से अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचता है, लगातार आयोजन होते आ रहा। कल शोभा यात्रा है, कल की शोभा यात्रा निश्चित रूप से खास होगी, उसको खास बनाने के लिए आप तो लगातार मेहनत भी कर। पहले एक बार सभी गढ़वासी को जय श्री राम। जहाँ तक कल की बात है, कल रामनवमी का अष्टमी है और अष्टमी के दिन मंगल पड़ गया, इसलिए मंगलवारी जुलूस बहुत धूमधाम से निकलता है। ऐतिहासिक जुलूस बना करके पूरे टीम के साथ शहर में ऐसा भव्य आयोजन करके निकलता है कि लगता है कि पूरा शहर ही भक्तिमय में डूबा हुआ है। और सारा कार्य जो ये महावीर मंडली के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही उत्साहपूर्वक, और इसमें महिलाएं, बच्चे एवं सभी बूढ़े नौजवान ऐसे एकदम राम भक्त बन करके निकलते हैं जैसा लगता है कि पूरा शहर ही नहीं पूरा झारखंड लेवल पे ये अपना भव्य आयोजन का जो प्रोग्राम देते हैं वो ऐतिहासिक लेकर के निकलेगा कल जुलूस। और जो आपको कल ऐतिहासिक बना करके और मंच के संरक्षक जितने भी हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं सबका सहयोग और शहर में ये भक्तिमय एकदम पूरा बना करके रखने का जो कार्य श्री महावीर मंडली जो करते हैं उसके लिए उनको काफ़ी धन्यवाद। और इसी तरह का आयोजन पूरा भक्तिमय जो बना रहे इसके लिए सभी को फिर से एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। संरक्षण मंडल की बहुत बड़ी फौज के संरक्षण में युवाओं की एक बड़ी फौज भी काम करती है जो लगातार मेहनत करती है, तब जाकर का आयोजन सफल हो पाता है। निश्चित रूप से श्री महावीर मंडल जो है, हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री कंचन साहू जी, इनके कुशल नेतृत्व को की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। लेकिन हम जितने भी महावीर मंडल के सदस्य हैं, संरक्षक हैं, उनके कुशल नेतृत्व से ही हम इस तरह का आयोजन कर पाते हैं। क्योंकि उनका जो गाइडेंस रहता है सदस्य के प्रति और जितना भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है संरक्षक के थ्रू, तो उससे यही हम लोग को लगता है कि नहीं, हमारे पीछे बहुत बड़े समूह और हमारे जो अध्यक्ष है श्री कंचन साहू जी, इनका जो हम लोग के ऊपर हाथ पड़ा, सदस्य सारे सदस्य के ऊपर जो गाइडेंस मिलता है एक एक चीज़ के लिए, तो निश्चित रूप से हम इतना कह सकते हैं कि गढ़वा का रामनवमी का जो जुलूस पहले आप 2018 से पहले देख सकते हैं और आज 2024 है, बीच में लॉकडाउन भी आया था, आज के डेट में जो स्थिति और जो परिस्थिति है वो लोगों से अभिन्न नहीं है। और आप या गढ़वा के जितने भी महिला पुरुष हैं वो देख सकते हैं कि झारखंड में जितने भी तरह से रामनवमी का त्यौहार बन रहा है और जितने भी रामनवमी के आयोजन किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का आयोजन पूरे पलामू प्रमंडल में कहीं भी किया जाता है। और जो हमारे नेतृत्व की बात है, जो हमारे संरक्षक की बात है, जो हमारे सदस्य जितने भी दिन रात, अभी समय जो हो रहा है 11:30 रात के बज रहे हैं, और हमारे जितने भी ये सारे हमारे सदस्य हैं, किसी न किसी इवेंट को लेके, किसी न किसी आयोजन को लेके हमारे साथ दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जुटे हुए हैं और हम इतना ही चाहते हैं कि गढ़वा में सिर्फ राममय हो। रामनवमी का मतलब सिर्फ जय श्री राम करना नहीं है, शहर से बाहर आइए, लोगों को ये पता चले कि गढ़वा में किस तरह का रामनवमी मन रहा है, ताकि गांव देहात के हमारे बगल में डंडई हो गया, मेराल हो गया, जितने भी अगल बगल के सुदूर क्षेत्र के जितने भी गांव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे भी मैं आग्रह एक सदस्य के नाते करना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग अपने गाँव से गढ़वा आइए और गढ़वा का रामनवमी जिस तरह से भव्य रूप लेता जा रहा है, इस भव्यता को गढ़वा में देखिए और खुद को मिसाल बनाइए कि मैं
श्री राम मंडली का होकर श्री महावीर मंडल में जाकर अपना एक अटेंडेंस दे रहा हूँ, एक जो होता है अनुपस्थिति न देकर उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, जिससे कि महावीर मंडल का शुभ विगत जो बढ़ते जा रहा है 2024 में, देख लीजिए जो कल हम लोग को आप देखिएगा कि जिस तरह से हम लोग जो मेहनत स्वरूप करते जा रहे हैं, जो हमारे कंचन साहू जी जितने भी मेहनत किए हैं, सदस्य हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम कल आपको 16 तारीख को शोभा यात्रा में दिखेगा। लोगों का प्रेम उत्साह जितना भी है, घर की महिलाएं हम लोग को कॉल करके बोलती है कि बाबू कितने बजे हम लोग को उपस्थित होना है, या भैया हम लोग को कितने बजे उपस्थित होना है, तो लगभग हम जितना बता सकते हैं कि लगभग 3,000 से 1,500 महिलाओं का भीड़ रहेगा, जनसैलाब महिलाओं का, जो कि गढ़वा की जितने भी महिलाएं हैं घर पे ही रहती हैं, तो सब कुछ काम धाम छोड़ छाड़ कर महावीर मंडल के लिए, महावीर मंडल के लिए वो आकर हमारे शोभा यात्रा में उपस्थिति अपना दर्ज कराएंगी, और गौरवान्वित एक क्षण रहेगा कल का जो श्री महावीर मंडल लोगों को, गढ़वा के जनता को देगा। और आप तमाम गढ़वा वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कल का जो शोभा यात्रा है, आप निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, गढ़वा को राममय करें। जय जय श्री राम, जय श्री महावीर मंडल, गढ़वा राममय। लगातार हम सीधे अध्यक्ष जी से जुड़ना चाहेंगे, हमारे साथ अध्यक्ष हम आशीष भाई से बात करेंगे कि कल के परिदृश्य को आप स्पष्ट कर दें, कल किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, किस तरह लोग आएंगे, उसे अपील भी करते हैं। कल इतिहास रचा जाएगा, और आकलन नहीं है कि कल का दृश्य क्या होगा। ईश्वर प्रभु राम से मेरा यही आग्रह है कि जिस तरह से सभी सदस्य दिन रात मेहनत किए हैं, उनकी सफलता का ही परिणाम हो कि सफलतापूर्वक लोगों को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और सुरक्षित तरीके से सभी लोगों को कल राम भक्त बना करके पूरे शहर का नगर भ्रमण करके प्रभु राम की स्तुति करें, और श्री रामलला मंदिर में जा करके हम लोग वहाँ भव्य आरती के साथ समापन करने का कार्य करें। और बहुत लोग हमारे जितने भी संरक्षक हैं, सभी सदस्य हैं, दिन रात अथक प्रयास किए हैं, इसलिए नहीं कि कोई बैनर पोस्टर हो, इसलिए कि लोगों के प्रति, लोगों के मन में प्रभु राम के प्रति जो आस्था है उसको और जागृत करें, और दिन दुना रात चौगुना श्री राम नवमी महापर्व को और इसी तरह धूमधाम से मनाने का कार्य करें। आपके मन से मैं ज़रूर ये आग्रह करूँगा कि कल अपराह्न 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे इसी चौक पर, झंडा चौक से हम लोगों का जो भव्य जुलूस निकलेगा, उसके लिए आप सभी लोग समय पर पहुँचें और हमारे द्वारा किए गए सभी आयोजन को आनंद लें, और प्रभु राम के प्रति आस्था बढ़ाएं और लोगों को जन जागरूकता करें। श्री महावीर मंडल लगातार 6 सालों से जो कार्य करें, कल उसकी वानगी सड़कों पर दिखाई देगी, और पूरी उम्मीद है कि कल सभी लोग मत मंत्रमुग्ध होंगे और बहुत आनंद के साथ रामनवमी महाजुलूस का आगाज करेंगे। और बाकी शेष मैं पुनः कल शाम को इसी जगह पर मैं आपको आगामी 17 अप्रैल को श्री रामनवमी महापर्व के अवसर पर किए जा रहे कार्यों का भी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। कल मंगलवारी शोभा यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे कलाकार उतर हैं मंच पे, जो सड़कों पर के जो बहुत कुछ भाव विभोर करेंगे, भावुक करेंगे और कई तरह के दृश्य दिखा करके रोमांचित भी करेंगे। तो आप सभी लोग, सभी सब से आग्रह है कि सब लोग पहुँचें और कल के यात्रा को सफल बनावें। फिल्म देखना जितना आपको अच्छा लगता है, फिल्म को सराहते हैं किसी भी सिनेमा को, लेकिन गलती से अगर उसकी सिनेमा का शूटिंग है जब आप देख लीजिएगा तो आपको सिनेमा देखने का मन नहीं करेगा। ठीक उसी तरह हम बता दें कि श्री महावीर मंडल द्वारा जो कल झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जो बाहर से कलाकार मंगाए गए हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, अगर इसे हम स्पष्ट कर देंगे तो कल आप आकर्षण का केंद्र नहीं रह जाएगा, इसलिए आप कल पहुंचे। आशीष भाई, श्री महावीर मंडल के कार्य में आप लोग लगातार जुटे हुए हैं, अहले सुबह से देर रात तक घर के कामों को छोड़ करके और इस रामनवमी को भव्य बनाने के लिए, दीप बनाने के लगातार जुटे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जय श्री राम। महावीर मंडल यह एक ऐसा संस्था है, यह एक ऐसा आगाज है जो डायरेक्ट अभी विगत कुछ दिन पहले जो रामलला भगवान को स्थापित किया गया अयोध्या में, वह महावीर मंडल के जितने भी सदस्य हैं, हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी का तो नाम ही भूल जाइए कि महावीर मंडल में पदाधिकारी भी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो भी अपने आप को सदस्य से ज़्यादा काम करते हैं इस महावीर मंडल में।
और भक्तिमय वातावरण, गढ़वा को एक भक्तिमय वातावरण देने में महावीर मंडल अपना काफ़ी अच्छा योगदान निभा रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं अपनी माताओं बहनों को, अपने भाइयों को, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, गढ़वा शहर से सटे जितने भी गांव है, जोबरैया, सुखबाना, नवादा, इधर सोनपुरवा, इधर जितने भी शहर के सटे जितने भी नज़दीक गांव है, या जो भी कह लीजिए हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, आप कल मंगलवारी जुलूस के शोभा यात्रा में आएँ और महावीर मंडल के शोभा को और बढ़ाएँ। रामनवमी को हम लोग एक साथ एक तलवार एक म्यान में तलवार के म्यान में एक साथ एक सुई में धागे की तरह पार होकर के भक्तिमय वातावरण में इसे मनाएं। और एक चीज़ और हम अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि महावीर मंडल के अध्यक्ष श्री कंचन साहू जी, सचिव हमारे सुनील केसरी जी, कोषाध्यक्ष हमारे उपेंद्र ठाकुर जी, जो भी पदाधिकारी हैं, जो मेन मोर्चा संभाले हुए हैं, इनके द्वारा काफ़ी दिन रात मेहनत किया जा रहा है, सदस्यों का साथ उन्हें मिल रहा है, हमारे पदाधिकारी सदस्यों को कंधे से कंधा मिला करके चलने का एक अहम पहलू गढ़वा में कायम किया है। इसमें नहीं लगता है कि हम लोग एक सदस्य बन करके भी अपनी अपनी पद प्रतिष्ठा अपने जगह पे है भैया, लेकिन इसमें एक सदस्य बन करके भी उतनी खुशी होती है कि हम सीधा सीधा भगवान राम से जुड़े हैं। तो मैं पुनः आह्वान करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि सारे लोग कल मंगलवारी शोभा यात्रा में आएं और एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम महादेव। हाँ, तो आपने सभी सदस्य जो महावीर मंडल के हैं, जिनके द्वारा लगातार अंथक मेहनत किया जा रहा है रामनवमी के आयोजन को सफल बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए, आपको आह्लादित करने के लिए, तो इसी मझिया मोड़ से जो झंडा चौक है यहीं से कल शोभा यात्रा निकलेगी। वही शोभा यात्रा है जिसे देख आप निश्चित रूप से आह्लादित होंगे, आकर्षित होंगे। जरूरत है आपको उस शोभा यात्रा में शामिल होने की। सबसे आकर्षण का केंद्र कलाकार जो बाहर से आए हैं वो तो रहेंगे ही, सबसे बड़ी बात जो महिलाएं शहर की संभ्रांत घरों की वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझती हैं, लेकिन कल की शोभा यात्रा में वो घर से निकलेंगी और श्री राम के नाम का उद्घोष करते हुए और शोभा यात्रा को सफल बनाएंगी। जरूरत है आपको उस शोभा यात्रा में शामिल होने की, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कल ही, कल दोपहर में इसी मझिया मोड़ झंडा चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आप पहुंचिए और उस शोभा यात्रा का गवाह बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप से चूक हो जाए, आप वहां ना पहुंचे, तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, मझिया मोड़, गढ़वा।